वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज का जो हमारा स्टूडेंट लेक्चर है वो है करंट अफेयर का फिफ्थ लेक्चर। इससे पहले मैं करंट अफेयर के 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखे तो देख लीजिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। तो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि 30 तारीख को उनका पेपर है या नहीं, तो DSSSB ने इसका सॉल्यूशन बता दिया है। जितने भी PRT के एग्ज़ाम हैं उनका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, देख लीजिए किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब का है ताकि आपको आसानी हो जाए कि 13 का है, 30 का है, उससे आगे की डेट का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर करंट अफेयर का, कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि एक क्वेश्चन हमेशा इंडेक्स से आता है, तो ये इंडेक्स का क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट, कौन सी मानव विकास रिपोर्ट? तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत की रैंकिंग इसमें 130 थी और भारत का HDI प्राइस 0.640 था। बिल्कुल सही है, भारत की रैंकिंग 130 थी और भारत का जो HDI प्राइस था वो कितना था, वो 0.60 था। बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जो हाईएस्ट रैंक था वो था नॉर्वे का। बिल्कुल करेक्ट है। और निम्नतम रैंक था वो था नाइजर का। कौन से? नाइजर देश का। तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। भारत की 130वीं रैंकिंग थी, सर्वोच्च स्थान किसका था? नॉर्वे का। और निम्नतम रैंक किसका था? नाइजर का। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फसल कटाई का त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेस्टिवल से भी ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि फसल कटाई का त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ओडिशा में। ठीक है, मनाया गया था या मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 14 सितंबर 2018 को इमाम हुसैन की शहादत के सम्मान में आयोजित अशरा मुबारका में दाऊदी बोहरा संप्रदाय को संबोधित किया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, और उन्होंने दाऊदी बोहरा संप्रदाय को डिनोट किया था इसमें। ठीक है, और ये कहाँ किया था? ये किया था इंदौर में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। आप निम्नलिखित में से किस जगह पर दुगुशेठ गणपति मंदिर पाएंगे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यदि गणेश का पूजन होता है वो होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में यहाँ कौन है? पुणे है। ठीक है, और पुणे में ही आपको दुगुशेठ गणपति का मंदिर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, ठीक है स्टूडेंट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के HIV अनुमान 2017 के अनुसार HIV संक्रमित लोगों की संख्या कितनी है? तो है 21.04 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की एथिक्स समिति का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है? कौन सी समिति? एथिक्स समिति का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया लाल किशन अडवाणी को। इससे पहले भी लाल किशन अडवाणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्हें भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो आपको पता है कि अब ये हमारे कौन होंगे? चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, और ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ये पंजाब एंड हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक भारत के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बनेंगे, सबसे ऊपर मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले दीपक मिश्रा थे, ठीक है, अब रंजन गोगोई बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VC 111/84 जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है? ठीक है, VC, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में खबरों में रहा यह क्या है? यह है मिसाइल टोही, भारत का प्रथम पोत। कौन है? मिसाइल टोही, भारत का प्रथम पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 13 सितंबर 2018 को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने 13 सितंबर 2018 को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो वो किया था अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी ने किया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैप ऐप से, मंदिर से, ठीक है, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरली ऐप फिर आ चुका है। नेवरली ऐप निम्नलिखित में से किस कंपनी या संस्था द्वारा आरंभ की गई? तो गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई है नेवरली ऐप। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्टार्ट की गई? तो वो गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने 12 सितंबर 2018 को अपनी सांझी या अपनी सांझा सीमा को 20 वर्षों में पहली बार खोला?
ठीक है, आपको पता है कि दो देशों के मध्य कोई ना कोई एक लाइन होती है जो उन्हें मतलब कंट्रोल करती है, ठीक है, जिस प्रकार से अपनी भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, उसी प्रकार किन दो देशों ने 20 सालों बाद अपनी रेखा को खोला, तो वो खोला था इथियोपिया और इरिटिया, दोनों देशों ने अपनी साझा सीमा को व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतने वाली इंग्लैंड की टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की गई। तो आपको बता दूं, जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल टीजीटी मैथ मेल का क्वेश्चन हुआ था, उसमें जनवरी में जो इंडिया टीम सीरीज खेल के आई थी उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कितनी सीरीज जीती, कैसे कैसे रही। तो भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतने वाली इंग्लैंड की टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की गई, तो पटौदी ट्रॉफी प्रदान की गई, नवाब खान पटौदी जो सैफ अली खान के पिता थे, ठीक है, टेस्ट की टीम के प्लेयर रहे हुए हैं, उनके नाम से ये ट्रॉफी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2018 में किन्हें भारत व इंग्लैंड का मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। तो ये दिया गया था विराट कोहली व सैम कुरैन को दिया गया। किसे? सैम कुरैन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ये ट्रॉफी का नाम क्या है, ट्रॉफी का नाम है पटौदी ट्रॉफी, और इसका जो बेस्ट अवार्ड है मैन ऑफ द सीरीज वो विराट कोहली भारत के, और इंग्लैंड के कौन थे, सैम कुरैन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 12 सितंबर को मंजूरी दी गई पीएम आशा नामक अम्ब्रेला स्कीम किसके लिए है। पीएम आशा नामक जो अम्ब्रेला स्कीम है वो किसके लिए है, वो है किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मार्कोनी सोसाइटी का पोल बैरन पुरस्कार राजलक्ष्मी नंद कुमार को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया। मार्कोनी सोसाइटी का पोल बैरन पुरस्कार राजलक्ष्मी नंद कुमार को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया, वो दिया गया था स्मार्टफोन के जरिए घातक स्वास्थ्य मुद्दों को परखने में मदद के लिए दिया गया था। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 15 या 16 क्वेश्चन जो DSSB के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।